आईसो कराची डिवीजन के जिले इदारे इमामिया एजुकेशन बोर्ड के जेर एहतमाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा तलबात के लिए ग्रैंड प्रोफेशन फॉर एडमिशन टेस्ट का इनेकाद किया गया। इस ग्रैंड टेस्ट का मकसद तलबा तलबात को यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट से रोशनास कराना था। इस मुनक्कदा टेस्ट में तकरीबन 200 से ज्यादा तलबा तलबात ने शिरकत की। इस मौके पर शरीक तलबा तलबात का कहना था, ये वो मौका है जब हम अपने प्रोफेशनल इदारे का इंतखाब कर रहे हैं, तब इस मौके पर हमारे वालदैन के साथ साथ इमामिया एजुकेशन बोर्ड भी हमारी रहनुमाई और मावनत कर रहा है। इस ग्रैंड टेस्ट में इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन लेने वाले मुर्तजा हसन, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले असद रिजवी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले असकर रजा ने भी शिरकत की। इन तीनों तालिबे इल्मों का कहना था कि जहां हमें हमारे तालीमी इदारों ने मावनत की, वहीं हम इमामिया एजुकेशन बोर्ड की खिदमात से हर मौके पर मुस्तफीज हुए। टेस्ट के इख्तिताम पर तलबा तलबात से खिताब करते हुए आईएसओ कराची डिवीजन के सदर ब्रदर मोहम्मद रिजवी ने कहा कि तलबा में तालीमी तरबियत का रुझान पैदा करना और इनकी सही सिंफ में मावनत करना हमेशा से आईएसओ पाकिस्तान का शेवा रहा है। यही वजह है कि आईएसओ अपने क्याम से लेकर अब तक तलबा की हर मौके पर मावनत करती आई है और इसे अपना बुनियादी फर्ज समझा है। आखिर में तलबा से इजहार ख्याल करते हुए आईएसओ कराची डिवीजन के सीनियर ब्रदर वजाहत ने कहा कि प्रोफेशनल तालीम हासिल करने के साथ साथ तलबा अपने अंदर शऊर व आगाही पैदा करें और एक तालिबे इल्म की जिंदगी का ये वो मुकाम है जहाँ से उसे अपनी अमली जिंदगी का आगाज करना है। कैमरामैन शकील के साथ अली आबदी, इमामिया न्यूज़ कराची।